हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज का ये मेरा टॉपिक है उन लोगों के ऊपर जिन्हें प्यार में धोखा मिल चुका है। अगर आप में से किसी को धोखा मिल चुका है और आप ये सोच रहे हो कि आपको जीना नहीं चाहिए और कोई गलत कदम उठाना चाहिए, तो नहीं, आप लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि अपने आप को तकलीफ पहुँचाना, ये आप उसकी जीत कर रहे हो जिसने आपको धोखा दिया है। आप सिर्फ इतना करिए, जितना हो सके अपने दिल को संभालिए और खुश रहने की कोशिश करिए। यहाँ तक कि आपका जो व्हाट्सएप प्रोफाइल है उसमें भी स्माइलिंग पिक रखे आपका, और FB हो उसमें भी रखे, और जितना हो सके उतना आप खुश रहे कि सामने वाला जिसने आपको धोखा दिया है वो ये मजबूर हो जाए कि उसका धोखा देना पड़ गया, और इतने खुश कैसे हो। और ज़िंदगी एक ही बार मिलती है दोस्तों, तो इसे इस तरह से बेकार ना करो। ये कोई लूडो का गेम नहीं है कि आप अगर एक बार हार गए तो आपको दूसरा चांस मिलेगा। ये जिंदगी का गेम है जहां आपको दूसरा चांस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। एक ही जिंदगी मिली है, इसे जीने की कोशिश करिए। जितना हो सके उतना खुश रहिए। क्या हुआ अगर एक इंसान ने धोखा दे दिया? आप ये समझ लीजिए, अगर वो आपको नहीं मिला है तो वो आपके लिए बना ही नहीं था, और जो आपके लिए बना है वो किसी भी तरह किसी भी वक्त कहीं पे भी आपको जरूर मिलेगा। और खुदा ने सबके लिए किसी ना किसी को बनाया है, आपके लिए भी किसी ना किसी को बनाया होगा। बस इंतजार करिए, जिंदगी को जीना मत छोड़िए। क्योंकि अगर आप जिंदगी को जीना छोड़ देंगे, आपकी जो फैमिली है उसे भी आपसे कुछ उम्मीदें हैं, उनकी उम्मीद पर आप पानी मत फेरिए। और जितना हो सके बस खुश रहो। थैंक यू।